बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सीरीज वन डे 21। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट स्पीच इज़ द फॉर्म ऑफ स्पीच इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर रिपोर्टेड। डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर या राइटर के अल्फाज को, एक्चुअल अल्फाज को बयान करते हैं, उसमें कोई चेंज या रद्द बदल नहीं किया जाता, ठीक है, वो एज इट इज़ होते हैं, उसको लिखा या बोला जाता है। Indirect speech is the form of speech in which what one speaker says is reported by another with almost accuracy but without using his or her actual words. Indirect speech में हम writer या poet के या speaker के अल्फाज को अपने अल्फाज में तब्दील करके बयान करते हैं, ठीक है। Idea या message वही होता है लेकिन अल्फाज बदल जाते हैं, ठीक है। For example, ऐशल ने कशफ से कहा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। अब यही बात, यह है डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। ऐशल ने कशफ से कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, ये दोनों के बीच में डायरेक्ट बात हुई, यानी कि ऐशल ने कशफ से डायरेक्टली कहा है, ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब यही बात कशफ जाकर कल टीचर से कहती है कि भाई, टीचर से कहती है कि ऐशल कल स्कूल नहीं आएगी, कि ऐशल कह रही थी कि वो कल स्कूल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गई इनडायरेक्ट स्पीच, किसी के अल्फाज को अपने अल्फाज में चेंज करके बयान करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और इसको इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच नरेशन नहीं कहलाता, इनडायरेक्ट स्पीच को हम नरेशन भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, कुरान पाक, कुरान पाक अल्लाह की किताब है, अल्लाह ताला अपने बंदों से डायरेक्टली मुखातिब है, ठीक है। कुरानिक वर्सेज में, आयात में हम कोई चेंज या रद्द बदल नहीं करते, वो एज इट इज़ बयान की जाती हैं इन्वर्टेड कॉमास में। इसी तरह से किसी पोएट, राइटर, ऑथर के अल्फाज को, उसकी कोटेशंस को हम एज इट इज़ लिखते हैं, उसमें कोई रद्दो बदल या चेंज नहीं किया जा सकता। ये होती है डायरेक्ट स्पीच। ऑल राइट, इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी भी राइटर के, पोएट के, ऑथर के अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करते हैं, ठीक है, वो इनडायरेक्ट हो गया। ऑल राइट, नाउ आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबेड, इंकरेजमेंट और सजेशन वगैरह के जुमले करते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, इंकरेजमेंट हो, सजेशन हो, ठीक है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब ये देखिए, द मैनेजर सेड टू द पीएन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अब मैनेजर ने पीएन से कहा गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ठीक है। अब ये देखिए, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, जो कॉमों के बाहर होती है, दैट इज रिपोर्टिंग स्पीच, एंड रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस। ऑलराइट, गेट आउट ऑफ माई ऑफिस, ये अब ये ऑर्डर दे रहा है उसको, ठीक है। और ये देखिए, ये उसके मैनेजर के अल्फाज हैं, एग्जैक्ट अल्फाज हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, एज यू कैन सी। अब हम इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देखिए रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ये कॉमो से बाहर जो होती है ना, द मैनेजर सेड टू द पीएन, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। और रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या है, सेड, सेड इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, एंड दैट इज इन पास्ट टेंस। ऑलराइट, और ये क्या है, जो कॉमास के अंदर होता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, एंड रिपोर्टेड स्पीच इज क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है। अब हम इसको इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो कॉमास रिमूव कर देंगे और टू लगा देंगे, ऑलराइट, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वी डोंट यूज दैट, दैट या इफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हम लगाते हैं टू। ऑलराइट, द मैनेजर ऑर्डर्ड टू, देखिए द मैनेजर ऑर्डर्ड द पीएन टू गेट आउट ऑफ हिज ऑफिस। ऑलराइट, हमने क्या किया, वी हैव रिमूव द कॉमास, प्रोनाउन चेंजेस की, टू लगाया और ऑर्डर्ड, बिकॉज मैनेजर पीएन को ऑर्डर कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल इज, ही सेड टू माय फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, ही सेड टू माय फादर, दिस इज रिपोर्टिंग स्पीच, एंड रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट टेंस। कैसे पता चला, सेड, सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, दैट इज इन पास्ट टेंस। प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम, अब देखिए प्लीज, ही रिक्वेस्ट, जब प्लीज बोला जाता है तो प्लीज या काइंडली के अल्फाज होते हैं, तो वो हम रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड माई फादर टू फॉर गिव हिम दैट टाइम, दिस टाइम इज चेंज इन टू दैट टाइम, दिस को हमने दैट में चेंज किया, प्रोनाउन चेंजेस की, टू लगाया, कॉमास रिमूव कर दिए, और सेट के बजाय हमने रिक्वेस्टेड किया। ऑलराइट, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ही सेड टू माई फादर,
Please forgive me this time. He requested my father to forgive him next time. Okay? To forgive him that time. This ko that pe change kar diya. Next example is, She said to her brother, work very hard from today. Ab dekhiye, she said to her brother, this is reporting speech and reporting speech is in past tense and reporting verb isme kya hai? Said, work very hard from today. Ab dekhiye, अब ये क्या कर रही है? एडवाइस कर रही है, ठीक है? शी एडवाइज हर ब्रदर टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम दैट डे. टूडे को चेंज किया हमने दैट डे में, कॉमाज रिमूव कर दिए, टू लगा दिया, और ये क्या, ये एडवाइस कर रही है, नसीहत कर रही है, तो हमने यहाँ पे एडवाइस लिखा. ऑल राइट, शी एडवाइज हर ब्रदर टू वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम दैट डे. टूडे को दैट डे में चेंज कर दिया. सो दीज आर द imperative sentences. Okay, this was part one, and inshallah tomorrow I will explain you part two of imperative sentences. I hope you will like this video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe and share.